देखो मेन बात क्या होती है, जैसे तो कोई चीज खराब है उसे बंद कीजिए, बंद नहीं कर सकते, सरकार कंट्रोल करनी। अब स्वागत है भाई भेड़ की चाल चैनल पे, और आज हम आ गए हैं फरकाबाद की एक जगह कमालगंज। कल आपको पता है क्या है, कल है एंटी टबैको डे यानी गुटखा निषेध दिवस। WHO बना रहा है, कई साल से बनाते आए हैं, पर कल का जो थीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। युवाओं में जो नशा हो रहा है इस टाइम ना, उसको लेके बहुत जागरूकता फैलाई जा रही है, जो खासकर 13 से 17 साल वाले बच्चे हैं ना, उनमें बहुत ही अभी नशा बढ़ रहा है। इसी को लेके अभी WHO कल बनाएगा भाई एंटी टबैको। देखो पब्लिक का क्या सोचना है यार, आदमी अपने ऊपर डिपेंड हो जाए तो छोड़ दिया जाए, हर आदमी थोड़ी छोड़ सकता है इसे, इसकी लत ही आदमी की लग चुकी है। हम तो कहे हर 10 माह से 5-6 आदमी तो खाते ही हैं। हाँ वो तो है, कंपनी बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है, तो बहुत सारी नौकरी चली जाएंगी। और क्या ये बताइए, गुटखा में क्या इतनी अच्छी चीज क्या है जो हर कोई छोड़ना चाह रहा पर छूट नहीं रही है, क्या है मामला? बस अब नुकसान ही चीज है गुटखा। यार कुछ तो मामला होगा, क्या है वो? एक लत पड़ जाती है आदमी को, लत सबको छोड़नी है, छोड़नी सबको है पर छूट नहीं रही है, वो ऐसे ही लत लग जाती है। ऐसा कोई दिन भी बनता है? हमने ना सुना, ऐसा कोई दिन नहीं बना। और इतनी बढ़िया चीज है दारू पी के, जो मजा आता है, नहीं मजा नहीं आता, पछतावा होता है, सवेरे होता है वैसे तो मजा आता है, सुबेरे जो पछतावा होता है वो रात में जो क्वावा होता है रात में। अब आप सब तो समझदार हो, बट जो यंगर जनरेशन है उसके लिए ज्यादा फोकस है, तो वो उनमें जो कंजम्पशन है ना वो ज्यादा बढ़ता है। कंजम्पशन आ कैसे रहा कि सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होके आ रहा है कि उन्हें रील्स बना बना के अच्छा धुआं देख के हुक्का में, ये जैसे अजय देवगन शाहरुख खान ये बिमल के ऐड करते हैं, बिमल के तो उनके मतलब उनके अकॉर्डिंग ये फैलता काफी है। उनका बहुत आता पीने में सवेरे बिल्कुल। तो ऐसा तो काम नहीं चला। आप खाते हो कुछ? नहीं मैं कुछ नहीं खाता हूँ भाई, सिर्फ खाना खाता हूँ मैं, और मैं दारू पीता हूँ। और ये दारू? आप दारू पीते हैं जी? और दारू तो इतनी अच्छी चीज है, इससे तो किडनी में वो स्टोन होता वो भी नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं। लीवर भी खा। मैंने आपसे क्यों कहा दारू पीते हैं, इसलिए कहा जो सच बोलते वही कहते हैं, लेकिन नहीं गुटखा नहीं खाते हैं। गुटखा नहीं खाते? ठेका बंद करो ना। नहीं ठेका क्यों बंद कराएंगे फिर, तो ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। करोड़ों का नुकसान है, करोड़ों का नुकसान है। तो क्या देखो तो घर में बच्चे सही रहेंगे हैं? लेकिन सर देखे हम बाल्मीक आदमी, हमें क्या अधिकार है? DM SP कोई मना नहीं कर सका, मुझे कोई मना नहीं कर। हाँ हम लेटरिन घुसते हैं, आइए लेटरिन मेरे साथ चलिए। सही बात है, मैं चिल्लाए कहता हूँ। ये तो फिर अलग ही समस्या होगी आपकी। हाँ मेरी अलग समस्या है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। हाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं, DM तो नहीं मिलेगा हमको। आप जो काम कर रहे हैं बस करते रहे, और कोई पूछने वाला नहीं। गंदा काम करेंगे आप, गंदा काम कर लेंगे आप। जो महक लगाए हमारे मुँह का ठीक, हमने मान लिया ये महक आप लगा सकते हैं, हम तो नहीं लगा सकते अपने मुँह से। नहीं हम तो लगाएंगे, हम झाड़ लगाए आप झाड़ लगाएंगे। नहीं सबके बस की नहीं होती, फिर छूटे नहीं तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, ये तो आदमी पे निर्भर करती है। और क्या है? अपनी आदत को खुद सुधारना चाहे इंसान तभी सुधर सकती है या कम कर सकते हैं। खुद और उन्हीं की तो देन है ये, उन्हीं की देन है। छोटी छोटी दुकानों पे मना करती है, मसाला ना बेचो, पन्नी ना बेचो, इससे हानिकारक है, उन पे परेशानी करती है। तो मेरा मानना है कि जड़ को ही ना खत्म कर दिया जाए, मतलब कंपनी को ही ना खत्म कर दिया जाए। अपने पर्सनली मैटर है ना, तो ये तो मेरा मैटर है, हम खा रहे हैं, कोई कह थोड़ो रहा है। पर कंट्रोल में तो नहीं, सबका निषेध दिवस वगैरह इनका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। पब्लिक का नुकसान है इसमें, तो पब्लिक का नुकसान है, पब्लिक पैसा फूक रही है अपना, फालतू में खा रही है, थूक रही है, जगह और जमीन गंदी कर रही है, अस्पताल हॉस्पिटल गंदी कर रही है। नहीं जो अस्पताल वगैरह बना रहे हैं वही तो गुटखा बेच रहे हैं। हाँ ये तो पहले यही हुआ, कैंसर फैला और फिर कैंसर का इलाज भी, इलाज भी वही करेंगे और कैंसर भी फैलाएंगे वही। इससे